हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके बालों के लिए एक ऐसा नुस्खा लेकर आई हूँ जो आपके बालों को तेजी से घना तो करेगा, जिससे आपके बाल भी तेजी से लंबे होंगे और बालों के सफेदपन गंजेपन की समस्या को मात्र 20 दिनों में दूर कर देगा। गाइस, अगर आपके बाल बहुत ही ज्यादा कम हो गए हैं, बहुत हिस्से में गंजेपन की समस्या आ गई है, तो मात्र एक ओनियन के चमत्कार अपने बालों में देखिए कि कैसे एक ओनियन आपके बालों को तेजी से घना कर देगा। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, मात्र एक ओनियन लेना है। ओनियन के छिलके को उतार लीजिए और इसके बाद आपको इसके पतले पतले स्लाइसिस कट कर लेने होंगे। इस तरह से आपको इसे स्लाइसिस में कट कर लेना होगा और आप जिस तरह से चाहें उस तरह से इन्हें स्लाइसिस में कट कर सकते हैं। देखिए गाइस, एक ओनियन को मैंने स्लाइसिस में कट कर दिया है। ओनियन के अंदर सल्फर पाया जाता है, जो बालों की स्कैल्प को तेजी से बढ़ा देता है, गंजेपन की समस्या को दूर करता है, बालों का झड़ना टूटना हमेशा के लिए बंद कर देता है, नए बालों को तेजी से उगाने में भी आपकी हेल्प करता है। तो आप देखिए एक ओनियन के अंदर कितने सारे फायदे पाए जाते हैं। आज मैं आपको एक ऐसा वाटर बताऊंगी जिससे आप अपने बालों को वॉश कीजिए और बालों को हमेशा के लिए घना बना लीजिए। बहुत ही आसान रेसिपी है, आसानी से बनाकर आप इसे तैयार कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए मात्र एक ओनियन लेना है। ओनियन के छिलके को उतारकर अच्छे से वॉश कीजिए और उसके बाद आप उसे स्लाइसिस में कट कर लीजिए। अब आपको लेना है एक पैन और इसमें आपको डाल देना होगा ओनियन को। इसके बाद आपको इसमें ऐड करना है वाटर। आपको गाइस इसमें एक गिलास पानी ऐड कर देना होगा और इसके बाद आपको इसे लो फ्लेम पर 10 मिनट तक पकाना होगा। जब गाइस इसमें उबाल आ जाएगा तो आपको फ्लेम को लो कर देना होगा और इसके बाद आप इसे ढक दीजिएगा ताकि इसके अंदर की जो गुडनेस है वो इसी के अंदर रह जाए, वो भाप के जरिए बाहर ना निकल पाए। गाइस, ये बनकर तैयार है। देखिए गाइस, एकदम पककर ये तैयार हो चुका है और इसका कलर भी एकदम चेंज हो चुका है। तो आपको मात्र इसे 10 मिनट तक इस तरह से उबालना है ताकि इसे अंदर की जो गुडनेस है वो इसके अंदर आ जाए, यानी कि इस पानी के अंदर चली जाए। अब आपको इसे ठंडा कर लेना होगा और जब ये ठंडा हो जाएगा तो आपको इससे अपने बालों को वॉश करना है। या तो आप इसे अपने बालों की जड़ों में लगाकर मसाज भी कर सकते हैं लगभग 10 से 15 मिनट पहले, या फिर आप इससे डायरेक्ट अपने बालों को वॉश भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको इसे छलनी की सहायता से छान लेना होगा और उसके बाद आप इसमें अपने शैम्पू को ऐड कर दीजिए और अपने बालों में लगाकर मसाज कीजिएगा। ऐसा करने से गाइस ये आपके बालों की जड़ों के अंदर तेजी से समाएगा और आपके बालों की जड़ों को तेजी से घना, मजबूत और लंबा करने का कार्य भी शुरू कर देगा। बहुत ही आसान नुस्खा है, बहुत ही इजी है, आसानी से बनाकर आप इसे तैयार कर सकते हैं। तो गाइस, अगर आप भी अपने बालों की हेयर ग्रोथ को तेजी से बढ़ाना चाहते हैं, बालों को लंबा करना चाहते हैं कि आपके बाल भी घने दिखें, मजबूत दिखें, तो इस रेसिपी का जरूर यूज कीजिएगा। तो गाइस, बहुत ही इजी नुस्खा है और आसानी से आप इसे बनाकर तैयार भी कर सकते हैं। तो गाइस, ये था आज का मेरा वीडियो। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स के जरिए मुझे जरूर बताइए कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।